8 बजे मालदेह घाट में लोग परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार के लिए लोग आए थे। और यहाँ ये भी परंपरा है कि ओहार लोग करते हैं, जिसमें एक तट से दूसरी तट की तरफ जाते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत लोग नाव में सवार होकर एक तट से दूसरी तरफ की जा रहे थे। ये सूचना प्राप्त हो रही है कि इंजन में कुछ गड़बड़ी आई, और आज चूँकि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उसी की वजह से नाव डिसबैलेंस हो गई और पलट गई। तो मौके पर जो गोताखोर इत्यादि थे सभी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया, और अब तक की सूचना के अनुसार सभी लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु की सूचना है, सभी महिलाएं हैं और 4 महिलाएं जिला अस्पताल में एडमिट हैं। बाकी लोग चले गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि अभी नाव निकालना है और उसके नीचे भी कोई दबा ना हो ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं, इसलिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, नाव में कितने लोग सवार थे लगभग? अभी तक की सूचना के अनुसार लगभग 30 लोग सवार थे, तो चूँकि नाविक फरार है और स्थिति उसके मिलने के और जांच के पश्चात आएगी, लेकिन अभी तक की 30 लोगों की सूचना है। कितने लोगों की संभावनाएं हैं सर पानी में होने की? नहीं, अभी तो मौके पर लोग शुरू से ही थे और हम लोग भी काफ़ी देर से हैं, अभी तो अब नहीं लग रहा कोई है, लेकिन अभी भी 1-2 लोग हमको मिले हैं कि अभी उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नाव हम जब तक बाहर नहीं निकाल लेंगे और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि कोई व्यक्ति अंदर ना हो, तभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करेंगे। कहाँ के लोग थे ये सब कुछ पता चला? ये अब जानकारी के अनुसार खेजरी थाना क्षेत्र के आसपास के गांव के लोग थे, और एक नाव में 4-5 परिवार के लोग थे, सभी एक साथ ओहार कार्यक्रम करने जा रहे हैं।